नमस्कार साथियों, तो रूबरू हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की बड़ी ताज़ा खबर के साथ। तो प्रदेश के कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी खबर आपके समक्ष लाए हैं। तो इन कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिली है, क्या खबर आने वाली है आपके समक्ष जरूर साझा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो हिमाचल पथ परिवहन निगम कर्मियों को मिला वेतन पेंशन भी जारी। हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC के 12,000 कर्मचारियों और 7,500 पेंशनरों को पिछले कल वेतन और पेंशन जारी कर दी गई। HRTC संयुक्त समन्वय समिति के अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर और महासचिव खेमेंद्र गुप्ता ने बताया कि JCC ने प्रदेश सरकार और निगम प्रबंधन ने चालक परिचालकों को वेतन और पेंशनरों को पेंशन महीने की पहली तारीख को जारी करने की मांग की थी। दिसंबर की पहली तारीख को वेतन और पेंशन जारी करने के लिए JCC ने निगम प्रबंधन और प्रदेश सरकार का आभार जताया है। दूसरी ओर हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC में कंडक्टर भर्ती के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दी गई है। 10 दिसंबर को कंडक्टर भर्ती के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र भी आवंटित किए गए हैं। परीक्षा सुबह 11 बजे शुरू होगी और 1 बजे तक चलेगी। बता दें HRTC में 360 पदों पर होने वाली कंडक्टर भर्ती के लिए करीब 44,000 आवेदन आए हैं। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से कंडक्टर भर्ती हो रही है। 10 दिसंबर को आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा के लिए पात्र उम्मीदवार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से भी एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रमुख रूप से ये है बड़ी खास खबर कि हिमाचल पथ परिवहन निगम के 12,000 कर्मचारियों और 7,500 पेंशनरों को पिछले कल वेतन और पेंशन जारी कर दी गई है। तो जिसके चलते जो है इनको राहत की सांस इस महीने मिली है। तो अभी के लिए यह है बड़ी खास खबर। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।